أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ولا أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا حبيب قلوبنا شفيعنا شفيع نفوسنا مولانا بالقاسم محمد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا شيء ऐसा ना हो फी इमाम मुबीन। अज़ाने गदरी हाजिर मजलिस, अली के चाहने वालों, हुसैन के आज़ादारों, हमें आपको एक दूसरे से तारुफ कराने की जरूरत होगी। हम सब एक चमन के अलग अलग फूल हैं, जो रंग और खुशबू में अलग तो हो सकते हैं मगर खूबसूरती में अलग नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि हमारी जड़ों में जो खाद है वो नजफ का है, जो पानी है वो करबला का है। सलावा दूसरी बात हुजूर ये है, देखिए मैं 10 मिनट पहले आया हूँ। मेरा वतन मुजफ्फरपुर बिहार है, जो यहाँ से बहुत दूर है। कल सुबह 6 बजे निकला था अपने घर से, ट्रेन से। अभी बस इतनी ही देर लगी है, वसूल किया है और वजू किया है, खाना वाना वहाँ का बाद बाद में, इसलिए कि जहाँ रूहानी ग़िज़ा मिल जाए वहाँ जिस्मानी माने नहीं रखती है। हाँ, जरूरत जिंदगी के लिए जरूरी है, मगर जिसने अपनी जिंदगी उनके लिए वफ़ कर, हमने अपने को उनके हवाले कर दिया है, जिम्मेदारी भी हमारी शहजादी की है। पहली बात। दूसरी बात, आप बहुत सुन रहे हैं कि मैं एस तनवीर रजा विक्टर, सैयद तनवीर रजा विक्टर, कभी भी मजमा देख के मजलिस नहीं पढ़ता है। माइक पर आने वाले, चाहे वो हमारे शायर साहब हो, चाहे खतीब हो, चाहे जो भी हो, वो माइक पर उस वक्त आना चाहते हैं जब बहुत बड़ा मजमा हो, काफी लोग हो, पूरा छलक रहा हो, पूरा भरपूर मजमा हो, तब हम खिताब करेंगे, शेर पढ़ेंगे, मजलिस पढ़ेंगे, मजमा चाहता। मगर मेरा एक अपना उसूल है कि जिसने मजमे का भरोसा किया उसे ही मजमे ने पलट दिया, और मजमे का भरोसा उठा के देख लीजिए, मजमा मुख्तसर हो या बड़ा हो, छोटा हो या तवील हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा ना खास्ता को ये सोच के पढ़ा हो कि बहुत बड़ा मजमा मिलेगा तब पढ़ेंगे, बहुत बड़ा भाई होगी तब पढ़ेंगे, हुजूर मजमे का भरोसा कमजोर लोग करते हैं। जहां इल्म की कमी हो वहां, अरे इतनी बात याद रखिए, जिसने बड़े मजमे को रखा नजर में, बड़ा मजमा काम ना आया, ये आप देखिए कि रिजल्ट क्या कहता है। एवरी एक्शन है द रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन है, एक्शन क्या कहता है उसका रिएक्शन क्या कहता है। सबसे बड़ा मजमा हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में गदीर में नजर आया, 1,25,000 का मजमा, तवज्जो है, सबसे बड़ा मजमा ये था एक्शन, और रिएक्शन क्या हुआ, सबसे छोटा मजमा करबला में नजर आया 72 का, 1,25,000 के मजमे ने 1,25,000 में भुला दिया, 72 के छोटे से मजमे ने कयामत तक के लिए यादगार बना दिया। तो एक्शन का
आइए सरकार बरेली आगे आइए आइए तशरीफ लाइए। हमारे हाशिम भाई जिला बरेली मुरादाबाद रामपुर वतन इनका बरेली, लेकिन ये उस तमाम वेस्टर्न यूपी की जीनत है। इस उम्र में भी आप ऐसा नोहा पढ़ते हैं कि आप जैसे जवान भी शर्मा जाएं। इनकी सेहत और तंदुरुस्ती सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत पढ़ें बाबा। तो अर्ज ये कर रहा था नेवर क्लीव और मजमा, मजमे का कोई भरोसा नहीं है। ये देखिए कि उसका इंपैक्ट सर क्या होता है, रिएक्शन। मैंने अर्ज किया कि सबसे बड़ा मजमा गदीर के मैदान में 1.25 लाख का, 1.25 महीने में बुला दिया, और सबसे छोटा मजमा करबला के मैदान में 72 का, कयामत तक के लिए यादगार। सलामा जाने ग्रामी, बस घंटे के अंदर मुझे मजलिस समेट देनी है। मुझे 3 काम करना है, अपनी ड्यूटी मेंबर की अदा करना है, मोमिनीन को आबे हयात अदा करना है लफ्जों से, और शहजादी की खिदमत में अपनी अपने तोहफे का एक गुलदस्ता बना के पेश करना है। जाकिर का मेंबर पर जाने वालों का यही 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 मंशा होना चाहिए, नियत होनी चाहिए कि मेरी शहजादी कबूल कर ले, मोमिनीन को हयात जावेदानी अता हो जाए, और ईमानदारी के साथ खतीब की ड्यूटी भी अदा हो जाए। तो सबकी सेहत तंदुरुस्ती सलामती के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के सर पर माँ बाप के साए के लिए, और माँ बाप के सर पर गासी अब्बास के अलम के फरेरे के साए के लिए बाबा से बुलंद दुआ सलावत पढ़े बाबा। हजरत मैंने बहुत मुख्तसर सी आयत आपके सामने पेश की है। कुरान में एक सूरा है सूरे यासीन। मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा नहीं है जो सूरे यासीन को जानता ना हो। अरे जिंदगी में अगर सूरे यासीन याद ना होता हो तो कम से कम तो ऐसा आता हाशिम भाई कि जब सब सूरे यासीन को याद करते हैं। सूरे यासीन 22वें पारे का सूरा है जिसकी मैं 12वीं आयत पढ़ रहा हूं। याद रखिएगा आयत नंबर 12, उसमें इशादे पाबंदी ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्ला शहीद एहसैना हो फी इमाम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला ये इशाद फरमा रहा है कि मैंने हर शय का इल्म इमाम मुबीन में रख दिया है। किसी ने लिखा जमा कर दिया है, किसी ने कह दिया एक जगह, यानी जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ मौलाना फरमान अली साहब सुल्ला अलैहु मकामहु ताबे सरा आपकी किताब से, मौलाना मकबूल अहमद साहब इन लोगों से मुख्तसर यह है कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने कुल्ला शहीन हर जमाने का, सारे जमाने का, होल यूनिवर्स, वर्ल्ड नहीं है यूनिवर्स है, आलमीन है आलम नहीं है, मैंने सारे जहां इमाम मुबीन में रख दिया है। बस इतना याद रखिएगा, सारे जहां का इल्म, मेरी जो तकरीर है 40 मिनट 45 मिनट जो भी, वो एक तरफ है इल्म और एक तरफ है इमामत। अब यहां से हुजूर बात आगे बढ़े, इल्म हासिल करने के 3 तरीके हैं। देखिए इल्मी गुफ्तगु भी हो जिसमें पढ़ने वाले के इल्म का पता चला, खिताबत के साथ भी गुफ्तगू हो जिसमें खिताबत का मजा भी मिले, कुल्ला शई रहसैना हो फी इमाम मुबीन। इल्म, इल्म हासिल करने के 3 तरीके हैं, इल्म इक्तिसाबी, इल्म वही, इल्म इल्हाम, और आखिरी है इल्म लदूनी। बुजुर्ग सब जानते हैं बच्चों के लिए, इल्म इक्तिसाबी उस इल्म को कहते हैं जो पूछ के हासिल किया जाता है। मसलन मैं सुबह उतरा अंबाला कैन, मैंने पूछा कि मैं यहाँ कैसे पहुंचूंगा, बताया ऑन साहब ने कि आप उतरिए सामने, बस स्टैंड है वहां, टैक्सी से वहां से आइए पटियाला,
पटियाला पहुंचा, पटियाला में परेशान था, ये मौला का गुलाम खड़ा था, इसने शक्ल देखी, पूछा, इसने कहा समाना जाना है, इसने कहा आ जाइए, इन्होंने अपने साथ दिया। जब यहाँ पूछा तो समाना से दरगाह कहाँ है, बताया कि वहाँ है, वहाँ से गाड़ी क्या चलाया। तो ये इल्म जो पूछ के हासिल किया जाता है उसे इल्म इंतसाबी कहते। जैसे हाशिम भाई आपके लिए, आप शायर भी हैं, शायरों का दर्स भी देते हैं, अगर कोई शेर आपको समझ में नहीं आया तो क्या किया, जानवे अदब उस्ताद शायर के पास तय किए, पूछा कि शेर के माने क्या हैं, उसने आपको समझा दिया। आपसे पूछा कि इस आयत का मफहूम समझ में नहीं आया, आपने बता दिया, समझा। यानी जो चीज जो इल्म पूछ के हासिल किया जाता है उसे इल्म इक्तसाबी कहते हैं। इल्म वही, यानी वो इल्म जो वही के जरिए भेजा जा रहा है, और इल्म इल्हाम जो इल्हाम हो रहा है, इक्तसाबी आप समझ गए, वही ही जो है वो नबियों के यहाँ है कि नबियों को वही भेजी गई, वही के जरिए मिला। इल्म इल्हाम वो है जो ख्वाब के जरिए मिला, जैसे नबी ने ख्वाब देखा बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, एक नबी ने ख्वाब देखा कि मेरे वालिद मुझे अल्लाह की राह में कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये इल्म इल्हाम हुआ, पूछ के हासिल, वही के जरिए और इल्हाम के जरिए, ये तीन है। तीनों के लिए जरूरत है कि सोर्स ऑफ इल्म होना चाहिए, कोई बताने वाला चाहिए, कोई पढ़ाने वाला चाहिए, कोई सिखाने वाला चाहिए, कोई दिखाने वाला चाहिए, ये सारे इल्म के तरीके हैं। अब सिर्फ एक इल्म लदूनी है जिसमें ना कोई पढ़ाने वाला, ना किसमें कोई सिखाने वाला, जिसमें ना कोई बताने वाला। कोई ये नहीं कह सकता किसने बताया, कोई नहीं कह सकता किसने सिखाया, किसने कहा, किसने बताया। सुनिए हुजूर, इस मिंबर से समाना के चैलेंज कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, बाहर काफी हर समुदाय के लोग मौजूद हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका कोई ना कोई उस्ताद होगा, चाहे शिक्षण साहब हो, मौलाना मैं हूँ, आप है, कोई भी है, हर शख्स का कोई ना कोई पढ़ाने वाला, कोई ना कोई सिखाने वाला, कोई ना कोई बताने वाला। कायनात में फकत एक जात है जिसका कोई पढ़ाने वाला नहीं, जिसका कोई बताने वाला नहीं, जिसका कोई सिखाने वाला नहीं। 1400 बरस गुजर गए, जितने भी नए अंधी लंगड़ी लूली हदीसें लिखी गई, बहुत सारे उलट पुलट किए गए, मगर किसी में हिम्मत ना हुई कि एक नाम भी ऐसा लिख दिया हो कि इसने अली को 1 साल पढ़ाया, अली को 1 महीना पढ़ाया, अली को 1 हफ्ता पढ़ाया। जितने भी बाप हो चाहे किसी के हो, किसी के बाप की हिम्मत नहीं हुई कि एक जुमला लिख दे कि फलां ने फलां को पढ़ाया। बल्कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, जो अहले सुन्नत के बहुत आला न सिर्फ मौलाना थे बल्कि बहुत अच्छे राइटर भी थे, इतिहासकार, हिस्टोरियन, मुहद्दिस, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, सुनिए मेरी मेहनत जाया न कीजिएगा, क्या लिखा, कहा अजवाज में, असहाब में कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन के मामले में, कुरान के मामले में, इल्म के मामले में अली का मोहताज ना हो, कोई भी असहाब में, अजवाज में, मुसलमानों में कोई भी ऐसा नहीं था जो इल्म के मामले में, कुरान के मामले में, इस्लाम के मामले में, शरीयत के मामले में अली का मोहताज ना हो। आपने समझा, अब बताइए अली को पढ़ाया किसने, अली को सुनाया किसने, अली को बताया किसने। अब आप सुनिए, शायद कोई भोला मुसलमान जिसका नाम है भोलू मियां, वो ये कहते हैं, आप कैसे कह रहे, नबी ने अली को पढ़ाया। एक मिनट के लिए बात मान गया, एक मिनट के लिए, तो नबी ने क्या पढ़ाया,
अलिफ है, कुरान शरीफ है, ठीक है। अगर ये तो था इल्मे किताब, इल्मे जंग किसने अली को सिखाया, फनूने जंग किसने सिखाया? इसलिए कि मेरा नबी तो रहमतुल आलमीन है। भैया रुक के एक बात कह दो, क्या दुनिया हम पर यह इल्जाम लगाती है कि शिया नबी को माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं मानते हैं? हम माशाल्लाह अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे अली को बढ़ा देते हैं, हसन हुसैन को बढ़ा देते हैं, हुजूर ऐसा नहीं है। इसलिए कि मोहम्मद तो उस इस्मत के दरख्त को कहते हैं जिसमें इमामत के फल लगे हैं, इस्मत की पत्तियां हैं, शराफत की कलियां हैं, सदाकत की टहनियां हैं, और जिसमें शुजात के तने लगे हैं। मगर ठीक कहते हैं वो टी आर विक्टर इस मेंबर से कह रहा है, कुछ लोग जो कहते हैं कि शिया मोहम्मद को नहीं मानते हैं तो वो सही कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम उस मोहम्मद को नहीं मानते हैं यार जो हमारे जैसा हो, हमारा बड़ा भाई हो। अरे जिस मोहम्मद की बराबरी आदम न ला सके, जिनके मुकाबले में ईसा ना आ सके, जिनकी बराबरी इब्राहिम न कर सके, जिनके बराबर में मूसा ना आ सके, उनकी बराबरी दो टके का मुसलमान करेगा? 1400 बरस से बस एक थ्योरी चल रही है कि मोहम्मद खाकी थे कि नूरी। दुनिया कहती है जिस्म था जिस्म था जिस्म था जिस्म था। 72 फिरका कहता है खाकी, सिर्फ एक फिरका शिया शाशरी कहता है नूरी। बस आप समझ या रसूल अल्लाह हादरी सलामा। हुजूर सिर्फ पढ़ा लिखा मजमा है, इसलिए अहले इल्म के बीच इल्म की गुफ्तगू अच्छी लगती है। दुनिया कहती है मोहम्मद खाकी, अशिया नहीं मानते है। हम उस रसूल को मानते हैं जो मिट्टी पे कदम रखे तो निशाने कदम ना आए, चट्टान पे जो पैर रखे तो सीने पत्थर पर नक्श उभर आए। हम उस नबी को मानते हैं जिसके सबके में ये पूरी कायनात बनी। नहीं ऐसे नहीं, मोहम्मदी होने का सबूत दीजिए, हम ही हैं जो मोहम्मद से मोहम्मद हुए हैं। हम ही हैं जिसके बारे में किताबों में लिखा है, यकीन जानिए मोहम्मद नो लिखने वाला मुल्ला, मुल्ला ना मुसलमान था ना हिंदू था, मुल्ला जो था वो पारसी था, उसने बहुत सारी बीतें लिखी हैं। लास्ट में सिर्फ एक जना लिख दिया, ये इतनी तहकीक आपसे और सच जनरेशन हिंदी उर्दू में सुने जाए। सारी तहकीक और आविष्कार के बाद मैंने पाया कि इनमें जो सही मोहम्मद है, मोहम्मद को मानने वाले वही है जो अली को अपना इमाम मानते हैं। सुनिए, हम ही सही मोहम्मद हैं। हम उस नबी को मानते हैं जिसके सबसे में कायनात बनी। ये जमीन का फर्श मोहम्मद आपके सबसे में। ए मोहम्मद, अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो ये कायनात ना बनती, तो ये जमीन की खाली मोहम्मद आपके सबसे में, ये आसमान का शामियाना मोहम्मद आपके सबसे में, ये आसमान को छूती हुई पहाड़ियां मोहम्मद आपके सबसे में, ये जोश मारता हुआ समंदर मोहम्मद आपके सबसे में, मेरा साथ दीजिए ये अंगड़ाइयां लेता हुआ दरिया ये मोहम्मद आपके सबसे में, ये समंदर के अंदर पाई जाने वाली चीजें मोहम्मद आपके सबसे में, इन दरियाओं पे चलने वाली
जो कश्तियां हैं मोहम्मद आपके सदके में, या आसमान को छूता हुआ दरख्त नबी आपके सदके में, नहीं ये फैली हुई टहनिया नबी आपके सदके में, ये शाखों की लचक मोहम्मद आपके सदके में, ये फूलों की महक ये मोहम्मद आपके सदके में, ये कलियों की चटक मोहम्मद। देखिए एक बार बताइए, कोई चीज पसंद आए तो मुंह ना हिलाइए, जबान हिलाइए। मौलाना सुहेल अफंदी साहब कबला मरहूम हैदराबादी कहते थे, मेरे मोमिन बड़े अकलमंद हैं, 20 किलो का सर हिलाते हैं, 20 ग्राम की जबान नहीं हिलाते हैं। अब जल्दी जल्दी मैं अपनी मजे, ये फूलों की महक, ये कलियों की चटक, ये शाम की लचक मोहम्मद आपके सदके में। ए मोहम्मद, अगर आपको बनाना न महसूस होता तो ये झरनों में घुंघराहट ना होती, ये चिड़ियों में चहचहाट ना होती, ये आसमान का शामियाना, आफ्ताब और महताब की कंदिलें, ये सितारों की अंजुमन, ये तारों का झुरमट, ये बिजली की चमक, ये बादलों की गरज, ये शफक की लाली, ये उफक की सफेदी, ये मोहम्मद आपके सदके में बनाया। अगर क्या कह रहा है, क्या अल्लाह की हदीस है, ये मोहम्मद अगर आपके नूर को बनाना महसूस ना होता, अगर आपकी खिलकत मंजूर ना होती तो कायनात ना बनती, तो फिर ये आदम नबी आपके सदके में, इब्राहिम नबी आपके सदके में, मूसा की हैबत मोहम्मद के सदके में, ईसा की मसीह आई मोहम्मद के सदके में, खूबसूरत लोग ये खूबसूरती यूसुफ की मोहम्मद के सदके में, ये यूसुफ का जमाल मोहम्मद के सदके में, ये मूसा का कमाल ये मोहम्मद के सदके में, ये अय्यूब का सब्र मोहम्मद के सदके में, ये नूह को किनारा मिलना मोहम्मद आपके सदके में। मालूम ये हुआ, ये जितनी कायनात है ये मोहम्मद का सदका है। अगर मोहम्मद ना होता तो कायनात ना होती, अगर कायनात नहीं होती तो ये बड़े भाई नहीं होते। अल्लाहु अकबर। देखिए ये उनकी मजलिस है, ये उनका जिक्र है, जिसको सुन के जुमला जमा न कीजिएगा, आपके लिए है, जिसको सुन के पानी को रवानी आ जाए, कूड़े को जवानी आ जाए। पूरी कायनात जिसके सदके में बनी है, हम उस मोहम्मद को मानते हैं, जो चलता है तो बादल पर छाई करता हुआ चलता है, जो चलता है तो हूर अपनी जमाने में मदद करती हुई चलती है, वो चलता है तो फरिश्ते फजीलते रसूल में गुनगुनाते चलते हैं। अरे किस बात की कह रहे हो, अल्लाह ने क्या कहा, शिया और सुन्नी में यही फर्क है, 72 कहते हैं कि खाकी, शिया कहते हैं नूरी। अब मैं एक बात इसको पूरी करके वहां आऊंगा तो ये पूरी कायनात बन गई किसके सदके में, बोलिए बोलिए, मोहम्मद के सदके में। मोहम्मद आए 60 साल 62 साल 63 साल जब भी रहे, आके चले गए, जिस्मानी मोहम्मद की बात कर रहा हूँ, आए चले गए, तो अल्लाह क्या कह रहा है, ये कायनात किसके लिए सजाई है, मोहम्मद के लिए। जैसे आप यहाँ आए हैं, ये माशाल्लाह टिंकू साहब और साहब, ये जो जितनी इंतजामिया है ये महीनों से इंतजाम कर रही है, कोई जंगल साफ करवा रहा है, कोई झाड़ू लगवा रहा है, कोई टेंट लगवा रहा है, कोई खाने का इंतजाम कर रहा है, कोई रूम सजा रहा है, कोई छात्र, सारे लोगों के लिए, किस लिए। यहाँ मजमा आएगा, लोग आएंगे,
हम जैसे छोटे मोटे खतीब आएंगे, ऐसे ऐसे मुमीन आएंगे, पढ़ने वाले शायर आएंगे। आए अब हुजूर ये बात बताइए, एक हफ्ते के बाद आप यहाँ आइएगा तो आपको ये मिंबर मिलेगा, ये फर्श मिलेगा, ये शामियाना मिलेगा, ये जो बड़ी बड़ी लाइटें चल रही हैं मिलेंगी नहीं मिलेंगी? अब हमारे इनसे तो खुदा जरूरत नहीं करूंगा, बच्चा ये से कहूँ जीशान साहब बिगड़ते हैं, अरे भाई एक हफ्ता कबल आए थे तो फर्श भी बिछा था, माइक भी लगा था, शामियाना भी लगा था और बत्तियां भी चल रही थी, सब कुछ था, अब आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। क्या कि यार के बिहारी हो, तुम बिहारी रह गए क्या मतलब? अरे यार ये लगा था मेहमान के आने के लिए, मेहमान आया चला गया, सब कुछ हो गया, सब वापस हो गया। तो मोहम्मद मेहमान की हैसियत से आए थे, जब आए तो जमीन का शामियाना भी बिछा, आसमान का जमीन का कालीन भी बिछा, आसमान का शामियाना भी बिछा। सुनिए आफ्ताब और महताब की कंदीले भी सजी, हवाएं भी, वफाएं भी, और ये भी सब कुछ। जब मोहम्मद चले गए थे तो अल्लाह को चाहिए था जमीन का कालीन लपेट देते, आसमान का शामियाना खोल देते, आफ्ताब और महताब की कंदील बुझा देते, समंदर को समाप्त कर देते, पहाड़ों को गिरा देते, दरिया को सुखा देते, सूरज को बुझा देते, चांद की चमक खत्म कर देते। ये पहाड़ ये दरख्त क्यों है? का नहीं आए और चले गए। आज भी जमीन का कालीन मौजूद है, आसमान का शामियाना मौजूद है, आफ्ताब और महताब के कंदीले मौजूद है, समुंदर की लहरें और दरिया की अंगड़ाइयां लेती हुई लहरें मौजूद है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कायनात के बाकी रहने की वजह है कोई ना कोई मोहम्मद है। तो हम उस मोहम्मद को मानते हैं जिसके कायनात, जिसके सबके में कायनात बनी है। हम उस मोहम्मद को नहीं मानते जो सहाबियों के बीच आम हो जाता है, खुदा ना खास्ता घुमाता है, जो भी आप समझे मिंबर है। इसलिए कहूं अगर किसी को कांधे पर उठाया भी तो अल्लाह के हुक्म से उठाया, अगर किसी को दोषाने पर बुलंद भी किया तो अल्लाह के हुक्म से किया। तवज्जो है ना आपकी? एक सलवात पढ़े बाबा से बुलंद, मोहम्मद आले मोहम्मद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जियो जियो, वाह। देखिए यही वो आवाज है, यही वो नारा है जिनके को सुन सुन के वो शेर है ना, किस आज के शेर की आमद है कि रन कांप रहा है रुस्तम का जिगर, जेर कफन कांप रहा है दुश्मन अली अभी तक हांप रहा है। तो बस हुजूर, बस 10 से 15 मिनट और मैं कभी नहीं कहता कि आपकी जहमत तमाम कर रहा हूं, मेरी आदत ही नहीं है। इसलिए कि उस्ताद ने कहा था मजलिस पढ़ना बायस रहमत, मजलिस में बैठना बायस रहमत, मजलिस का सुनना बायस रहमत, तो जहां रहमतों की बारिश हो रही हो लफ्ज सहमत को क्यों सहमत दे? तमाम मोमिन मोमिनात की सेहत तंदुरुस्ती सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। बस तो हुजूर कुल्ला शहीन ऐसे ना हो फी इमाम मुबीन। अल्लाह कह रहा है कि मैंने हर शेख का इल्म इमाम मुबीन में रख दिया है। अब जरा यहां पर 2 मिनट के लिए, बहुत सीरियस मंजिल है,
दुनिया के सारे मुसलमान ये कहते हैं कि दुनिया का सारा इल्म कुरान में है। आयत कुरानी भी कह रही है, हर खुश को तर कुरान में है, दुनिया का सारा इल्म कुरान में। मुल्ला कह रहा है कि दुनिया का सारा इल्म कुरान में। ये कौन कह रहा है? और अल्लाह क्या कह रहा है? कुल्ला शहीन हसैना हो फी इमाम मुबीन। हर हल वो भाई फिर दरख्वास्त है, इसके बजाय मुंह खुलना सीखिए। देखिए ये जो आप लोग वाह 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 करते हैं, ये जाकिर की वाहवाही नहीं होती है, जिक्र की वाहवाही होती है। जाकिर एक बैंक का काउंटर है जो वाहवाही का चेक लेके हेड ऑफिस भेज देता है। अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा मैं नहीं जानता। एक सलवार भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। इनका सहारा मैं देता हूं। नारे तकबीर, नारे रसाला, नारे हैदरी, बाबा से बुलंद सलवार। तो अल्लाह कहता है हमने हर शय का इल्म कुरान में रख दिया है। मुल्ला कहता है कि दुनिया का सारा इल्म कुरान में रख दिया है। अल्लाह कहता है इमाम मुबीन में रख दिया है। मुल्ला कहता है कुरान में रख दिया है। अच्छा कोई ऐसा शिया है जो इस बात से इनकार करे? खुदा ना खास्ता, अगर पहली बात से इनकार करो तो दारा से इस्लाम से बाहर, और दूसरी बात का अगर इकरार करो तो मोमिनीन के सबसे खारिज। भाई अल्फाज को बचा के बोलना है, ईमान सलामत रहे तो सब कुछ है, वरना बेईमानों की कोई कमी है? तो हुजूर क्या कहा? भाई हम भी कहते हैं कि दुनिया का सारा इल्म कुरान में, सूरज का इल्म कुरान में, चांद का इल्म कुरान में, सितारों का इल्म कुरान में, दरिया का इल्म कुरान में, समुंदर का इल्म कुरान में, दरख्तों का इल्म कुरान में, चरिंदों का इल्म कुरान में, दरिंदों का इल्म कुरान में, परिंदों का इल्म कुरान में, हवाओं का इल्म कुरान में, फिजाओं का इल्म कुरान में, घटाओं का इल्म कुरान में, सितारों की चमक कुरान में, सूरज की रोशनी कुरान में, चांद की ठंडक कुरान में, और उठा के देखिए शफक की डाली कुरान में, उफक की सफेदी कुरान में, दिन की का जिक्र कुरान में, रात का चर्चा कुरान में, शाम की फिक्र कुरान में, सुबह का जिक्र कुरान में, और आगे चलिए आदम कुरान में, मूसा कुरान में, ईसा कुरान में, मैं यूसुफ का हुस्न कुरान में, किसी का जमाल कुरान में, किसी का कमाल कुरान में, दाऊद की उंगलियों का कमाल कुरान में, नाना नमरूद का कुरान में, इब्राहिम की कुर्बानी का जिक्र कुरान में, आदम का निकलना कुरान में, आदम का तौबा करना कुरान में, अय्यूब का सब्र कुरान में, जन्नत का तज़किरा कुरान में, दोज़ख का इल्म कुरान में, हूर का चर्चा कुरान में, इनको भी मिलेगी, सबको मिलेगी इंशाअल्लाह। अरे और आगे चलिए, और आगे चलिए, आदम का इल्म कुरान में, मूसा की हैबत कुरान में, अय्यूब का सब्र कुरान में, इब्राहिम का इम्तिहान कुरान में, और आगे चलिए फिजिक्स कुरान में, केमिस्ट्री कुरान में, बायोलॉजी कुरान में, बॉटनी कुरान में, जूलॉजी कुरान में, जियोलॉजी कुरान में, और आगे चलिए एस्ट्रोलॉजी कुरान में, एस्ट्रोनॉमी कुरान में, मैथमेटिक्स कुरान में, मेडिसिन कुरान में, अरिथमेटिक कुरान में, और आगे चलिए सितारों का
साइंस कुरान में, फिजाओं का साइंस कुरान में, जितने भी टेक्नोलॉजी है कुरान में, जितनी भी दवाइयां हैं कुरान में, तो ये जब सारी चीजें कुरान में मौजूद है और फिर अल्लाह ने क्यों कह दिया कुल्ला शहीन ऐसे ना हो फी इमाम मुबीन, हर शय का इल्म इमाम मुबीन में। अब शिया का दावा एक जुमले में सुन लीजिए, मगर मेरी मेहनत का पूरा नतीजा दीजिए, वरना आखिरत में कुरान भी पूछेगा आपसे, इमाम भी पूछेंगे। हम शिया कहते हैं कि बेशक दुनिया का सारा इल्म जिस किताब में सिमट आया उसे कुरान कहते हैं, पूरा कुरान जिस नुक्ते में समा जाए उसे अली कहते हैं। देखिए एक बात, मौला सलामत वक्त के नाम लगाने वालों को, वो जवाब देने वालों को। अच्छा ये बताइए, कोई ये कहता है नारा हैदरी तो दिल कैसा लगता ना कि धड़क रहा है धड़क रहा है धड़क रहा है, और जब तक कि आप जवाब ना दे दीजिए ऐसा लगता है कि अधूरे हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, अरे कोई नारा लगा के अली की फजीलत का ऐलान नहीं करता, हमारे नारा लगाने से अली की फजीलत न बढ़ती है न घटती है, हम नारा लगा के अपनी फजीलत का ऐलान करते हैं कि हमारा खून भी पाक हमारा दूध भी पाक। कोई नारा लगा के ये अगर गुमान करता है कि हम फसीलत अली में इजाफा करते, नहीं, ये हमारी पाक माँ के खालिस शीर का ऐलान है, हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून पाक है जो अली के नाम पर झूम जाता है। कोई नारा लगाए न लगाए, कोई मुंह बनाए न बनाए, उससे अली की साथ में कोई फर्क नहीं है। मेरा अली, आपका अली, हम सबका अली, कल भी आना था आज भी आना है क़यामत तक आना रहेगा। नहीं जुमला सुन लीजिए फिर भी डाल दीजिएगा, हमारा अली, आपका अली, मेरा अली, कल भी आना था आज भी आना है क़यामत तक आना रहेगा। दुश्मन अली का मुंह कल भी काला था। अरे जिसकी मोहब्बत अगर यूसुफ से, हाँ हो गए सुन लीजिए, अरे जब यूसुफ की मोहब्बत जुलेखा की जवानी को पलटा दे तो फखरे यूसुफ अली की मोहब्बत,
सलामत रहें सलामत। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, खड़े खड़े इस जवान के लिए और इस हम बूढ़ा तो नहीं कहेंगे, हमारे यहाँ कोई बूढ़ा होता ही नहीं, इस जवान के लिए और इस नौजवान के लिए मुझे एक शेर याद आया, कहता चलो और मजलिस तमाम। मैं पिछले 20-22 बरस से बाहरी पढ़ता हूँ, मैं यूरोप वगैरह तमाम अफ्रीका पढ़ा जाता हूँ, तो वहाँ एक साहब इस्लामाबाद में पढ़ा था, तो एक साहब आए हमारे ननिहाल से, मामू होते हम लोगों के, अरे माँ के भाई के मामू कहते ना अपने जमाने में, बरेली में ऐसा है अशीफ भाई माँ के भाई मामू कहलाते ना, तो एक मामू आए, आने कहा कि हमारे साहब आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे कौम है शिया में, बहुत अब तो माशाल्लाह बहुत इंटेलेक्चुअल निकलने आपने पढ़े, हमने समझा कि ये जो है जहर की गोली मीठे कैप्सूल में भर के दी जा रही है। तो हमने कहा अच्छा बताइए, बोले आप समझाते हैं ये क्या दीवानगी है, रोड पे कपड़े उतार के मातम कर रहे हैं, एकदम लहूलुहान कर रहे हैं और एकदम ये कह रहे हैं, अली का नाम सुन के तो एकदम बेकाबू हो जाते हैं, एकदम एकदम दीवाने हो जाते हैं। अभी आपने देखा ना, नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट, नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट, अली इज बेस्ट। तो हमें जिसने कहा था मैं आई घर पर, याद रखना इस बिहारी को, दुनिया के जितने बिहारी हैं डर से अपने को नहीं कहते कि हम बिहारी हैं, मैं ही ऐसा हूँ कि यहाँ से कि इंग्लैंड तक यूरोप तक तमाम अफ्रीका तक अपने को फखर से कहा कि मैं बिहारी हूँ, और यहाँ भी कहता इस बिहारी की बात नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट, अली इज द बेस्ट। और सुन लीजिए, हमसे कहा जाता है अली के नाम से के दीवाने हो जाते हैं, समझाइए समझाइए, अब सुनिए अब सुनिए, अली के दीवानों को समझाए न दुनिया। हाँ ऐसे ही जवाब दो मेरे बच्चों मेरे बुढ़ो, अली के दीवानों को समझाए न दुनिया, हम खुद समझ बूझ के दीवाने हुए हैं। ख्वाजा का कौल है कि वही खारजी हुआ जिसका सिवा अली के कोई और इमाम है, ख्वाजा का कौल है कि वही खारजी हुआ जिसका सिवा अली के कोई और इमाम है, और सुनकर अली का नाम बहुत लोग सुन हो जाते हैं, मौला अली का नाम आया सुन जैसे सुन का इंजेक्शन लग गया, सुनकर अली का नाम जो कुछ नहीं हुआ, सुनकर अली का नाम जो कुछ नहीं हुआ, उस आदमी का दोस्तों नुतफा हराम है। वाजिद हसन हुसैन है अहमद की आरज़ू, वाजिद हसन हुसैन है अहमद की आरज़ू, अब्बास मुर्तजा की तमन्ना का नाम है, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा। वाह वाह
अब इसके बाद तो कुछ कहने ही पढ़ना ही नहीं है, कोटा भी पूरा हो गया, ठीक है हो गया। देखिए इसको मैंने फिर शेर दोहरा दो, निशान साहब फिर दोहरा दो कि किसका नाम लिया जा रहा है, यह उसका नाम है जिसको सुन के पानी को रवानी आ जाए, बूढ़े पे जवानी आ जाए। सलावा बस इनके शेर में मुझे मसाय पानी पोशा मिल गया, वहां तक पहुंचना है, मगर आखिरी बात आप तक पहुंचाना है। सारी फजीलतें मैं कहां तक पढ़ूं, किस किताब से पढ़ूं, अगर तौरात निकालूं तो अली का जिक्र, जबूर पढ़ूं तो अली का तस्करा, इंजील पढ़ूं तो अली की तारीफ, गीता पढ़ूं तो अली का शलोक, रामायण पढ़ूं तो अली का चर्चा, जमीन पढ़ूं तो जमीन पर अली का चर्चा, अगर मिट्टी की बात करूं तो राब की बात करूं तो अबू तराब का चर्चा। बस आखिरी बात, सारी बात हो गई। बस जैसे गाना आपने शेर से पढ़ा, उसके जिमले में आखिरी फसाद का आखिरी गोशा, अली के बाप ईमान कब लाए, बस आखिरी बात है। चूंकि अली के फसाद में अबू तालिब का नाम ना लो, हुजूर जिस अकाउंट का इनकम टैक्स अदा किया जाए फिर वो काला धन होता है गदीर में। और नाम बोलिए, इतना जल्दी बोल गए, खिलाफत कहां से आई थी, सकीफा से। देखिए सुन लीजिए, गदीर और सकीफा में यही एक फर्क है, एक जगह काला धन एक जगह सफेद धन, और तू जिसको मिल जाए वो हो जाए धनवान, है कि नहीं है। बस उसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगा। तो अगर सब कुछ पढ़ा और अबू तालिब को सैल्यूट ना किया तो अली पूछेगा, ए विक्टर तूने सब कुछ तो पढ़ा मगर वो न पढ़ा जो पढ़ने का हक था, तूने सारा धंधा दिया इनकम टैक्स नहीं दिया, तो शियों का ईमान जो है मोहम्मद अली के साथ ईमान अबू तालिब है। नहीं नहीं इधर से आवाज नहीं आ रही भाई, सलवात तो पढ़े, आखिरी बात फसाल का आखिरी गोशा, अगर सब कुछ पढ़ा ईमान अबू तालिब न पढ़ा तो वही रसूल के साथ होगा, रसूल सब कुछ सुनाया अगर ये ना सुनाया तो कुछ ना सुनाया। सखीफा काले धन का नाम, गदीर सफेद धन का नाम, पुलिस पेट सब कुछ। उसके बाद बड़े मियां कहते हैं, ये बताइए अली के पास ईमान कब लाए। अरे अच्छा कमाल की बात है, ईमान की सर्टिफिकेट वो मांग रहा है जिसका पूरा खानदान बेईमान। आप बताइए, मैं हर साल वीजे के लिए जाता हूँ यूरोप में, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है, अगर मैं कोई सर्टिफिकेट नीरव मोदी का, क्या सुना आपने, जनरल सिंह सुल्ताना डाकू और फलाना स्मगलर का, अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाके एम्बेसी में दूं, क्या मेरा हशर होगा। जिंदगी में तो वीजा कभी नहीं लगेगा, पुलिस को आएगा दरोगा आके मेरा कोहरा पड़ गया, ओए खोता था पुत्र, ओए तुझे इनसे क्या, मैं जरूर तू इसी गैंग का आदमी है, अरे मैं कुछ कह गया सलावा। पंजाब में हूं ना, थोड़ी सी पंजाबी तो बोलनी चाहिए, वो सारा पंजाबी चंगी आंदी नहीं है, प्रॉब्लम ये है, क्यों ठीक है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये अबू तालिब से कैरेक्टर सर्टिफिकेट अबू तालिब का देख रहे हैं जिनका कोई कैरेक्टर नहीं,
सारी जवानी पिछला रिकॉर्ड है चोरियों में, मवेशियों को लूटने में, अगर काफले को लूटने में, यहाँ तक मोहम्मद का जूता भी मस्जिद से निकालने लगे। अरे तारीख पढ़ रहा हूँ साहब, रसूलल्लाह का जूता लेके पार कर रहे थे वो तो यतीमाने कराई थी। अरे यार इस उम्र में भी चोरी बेमानी नहीं गई। अरे ने मैं तब उर कर ले रहा था। हाय 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 हाय, क्या सुना किताब रेफरेंस सबके पास है, अपनी तरफ से नहीं पढ़ो। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। बस 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 आखिरी बात, आखिरी बात जियो जियो है। अब आखिरी बात, सब कुछ हाथ उठा के आ गया हुसैन। बस बस खत्म। फजाइल का गोशा आखिरी यही है, फिर मसाइल। तो क्या पूछा? अबू तालिब ईमान कब ला? अबू तालिब ईमान कब? अबू तालिब ईमान कब ला? अरे फलासा फलाना फलासा, मैं यहाँ आया आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले। उससे लोग पूछेंगे आप समाना कब आए, आप समाना कब आए, आप समाना कब आए। मैं बताया 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। इनसे आशीर्वाद है कल आए, परसों आए। मगर टिंकू ऑन जाने मजमे के नाम क्या असली जो मैं जानता हूँ, इनसे कोई मुझे समाना कब है? बोले पागल है क्या, मैं तो यही हूँ, आने का क्या सवाल है? क्या सुना आपने? अरे आशिफ भाई मैं तो हूँ, आने का क्या सवाल है? मालूम होता लाइव वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद नहीं आते। अरे अबू तालिब के बारे में तुम क्या करोगे? जो ईमान दाता है उसका जिक्र होगा, जो ईमान का बाप है। बस फिर क्या बात है? मौलाना मर गए, इरफान हैदर आप भी हमेशा एक शेर पढ़ते थे, मैं भी जाता हूँ तो उनकी रूह के सवाब के लिए ये शेर पढ़ता हूँ, अगर आप सुनना चाहेंगे तो। एक सलवात पढ़े बाबा से बुलंद मोहम्मद आले। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े बाबा से बुलंद मोहम्मद आले। चलिए तो ये कह रहा था कि क्या है और कोई बहाना नहीं मिला, कभी मान लाए कभी मान लाए कभी ना मिला, उसके बाद इनको छोड़ ही दिया। अली से क्या दुश्मनी? आप बताइए मेरा मोहतरम मजमा, बताए उठा के किताब दे दीजिए। 132 राइटर की किताब बताऊंगा जो सबके सब, या तो यहूदी या तो ईसाई या तो फिर हिंदू, सारे गैर मुस्लिम, गैर शिया के गैर मुस्लिम, जिन्होंने अली की फसीलत में लिखा, जिन्होंने अबू तालिब यू टर्नर इंदा। अभी आपने पेरिस के तमाम किताब मिली थी, उसमें जिब्रील गैब्रियल, हम लोग जिब्रील कहते हैं ना, अंग्रेज गैब्रियल कहते हैं, गैब्रियल एंक्यूरी ने एक किताब लिखी है जो वहाँ अभी भी शाह नजफ इमाम बारगाह पेरिस में मौजूद है। नाम याद रखे गैब्रियल एंक्यूरी, उसने अली के बाप के नाम से लिखा है कि अली के बाबा को तो मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जब मैंने उनका नाम सुना तहकीक की तो मैंने सरदारे अरब के नाम से उनको पहचाना। क्या सुना यार? दुनिया जो है खलीफा बनने पर दम दे रही है और वो तो सरदारे अरब कहला रहा है गैब्रियल। बस आखिरी बात है, गैब्रियल इनके लिए क्या लिखता है कि अबू तालिब ने जिंदगी में किसी को सताया नहीं, किसी को लूटा नहीं, किसी की मवेशी नहीं लिया, किसी का जमीन नहीं, किसी की जमीन नहीं लिया, किसी के बागात नहीं छीने, कमजोरों को सताया नहीं, यतीमों को दबाया नहीं, मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। ले अबू तालिब उसको कहते हैं जिसने सारी जिंदगी बेवाओं की खिदमत की, यतीमों को पाला, गरीबों का मसीहा बना, कमजोरों का सहारा बना। क्या सुन रहे यार? पूरे अरब में सरदारे अरब अबू तालिब जैसा मेहमान नवाज नहीं। जो आप मेहमान आते थे रोटियां भी खिलाता था पानी भी पिलाता था, ये सारी तारीफ है अबू तालिब की। और ये क्या कह रहे हैं?
अली के बाप काफिर, अली फला अली फला, इसी पर हमेशा हमेशा हमेशा। मौलाना इरफान हैदर आबदी कहते थे, आप भी अगर वाहवा की जगह तो ये मेरी नहीं इरफान को सवाब पहुंचेगा कि बस इस खता पे दुनिया ने तुझको छोड़ा है। अली की तरह मुखातिब होकर कह रहे हैं कि बस इस खता पे, बस इस खता पे, बस इस खता पे दुनिया ने तुझको छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा है। बस आप समझ गए ना, बस आखिरी बात, फजाइल का आखिरी गोशा, घर दुनिया की जगह चाहिएगा वतन, क्या बस 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 खताब है दुनिया ने तुझको छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके पुतों को तोड़ा है। नारा है नारी, नारा सलाम, बस अब आप रोने को तैयार हो जाइए। जैसे फजाइल में आवाजें निकली हैं, वैसे मसाइल में भी आवाज निकलनी चाहिए। इस पर्दे के पीछे एक दुखियारी मां बैठी है जो इतनी देर तक अपना आंचल खोले हुए थे। सुन लीजिए, हाँ, जितनी देर हम फजाइल पढ़ रहे थे, बीबी इतनी देर अपना आंचल फैलाए है, अब बीबी ने आंचल बंद कर दिया, रुमाल फैलाया है, रुमाल बस रुमाल फैलाया है। तो अबू तालिब नाम है मगर कैरेक्टर है वफा, वफा जिस तहलीज पे जन्म लिया है वफा ने, उसका नाम है अबू तालिब। मक्के में जब तक वफा रही अबू तालिब नाम रहा, जब वफा मदीने में आई तो अली नाम हुआ, और जब वफा करबला में आई तो अब्बास नाम हुआ। मैंने कहा ना आपके शेर से मुझे मसाहब का गोशा मिला, नाम अब्बास। किसी ने कहा था ना, हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम करना, रोइए रोइए रोइए, हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम करना, नाम अब्बास का सुनता है हाथ उठा देता है। इतनी दौलत तेरे खजाने में कहाँ है यजीद, जितना एक शय का असासार उठा देता। बस मजलिस खत्म हो गए, मैं मसाहिब शहादत नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक वाकया आपके यूपी का पढ़ूंगा। यहाँ यूपी में एक जिला है मेरठ, मेरे उस्ताद माजिद मौलाना रोशन अली साहब अगला ये वाकया सुनाते थे, मैं जहाँ जाता हूँ जरूर पढ़ता हूँ, बहुत दिन के बाद पढ़ रहा हूँ। मेरठ में एक गांव था, बस अब्बास के नाम को तसव्वुर में रखिए, इंशाल्लाह घर तक रोते हुए जाइएगा। मेरठ में एक गांव था, वहां एक छोटा सा हिंदू परिवार था, उस घर में सिर्फ तीन थे, एक औरत, उसका शौहर, एक चार साल की बच्ची। उसकी बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो गई, बहुत बीमार थी,
सारी दवाइयां कर ली नहीं ठीक हुए, मेरा तक दिखाई नहीं ठीक हुए। एक दिन शाम के बाद उस बच्ची ने बोलना बंद कर दिया, सिर्फ हिचकी ले रहे थे। उसका बाबा इस औरत का शोहर आया, कहा मैं जा रहा हूँ, टैक्सी का इंतजाम कर रहे, इसको दिल्ली ले जाऊंगा, ये नहीं बचेगी। शबे जुमा नौचंदी की रात थी, हिंदू परिवार था, माँ और बेटी, बेटी के सिरहाने माँ बैठी, बेटी आखिरी हिचकियां ले रही है। जब माँ से बर्दाश्त ना हो सके, मेरी बेटियां तुम्हारे लिए पढ़ाओ, मौला तुम्हारी गोद को सलामत रखे, सकीना के सबसे में बच्चियां सलामत रहे, अली असर के सबसे में मेरी बहनों की गोद आबाद रहे। जब बच्चे की हालत आखिरी हिचकी पर आ गए, इससे बर्दाश्त ना हो सका, यह घर से बाहर निकलने लगी। अचानक गांव के लड़के नौचंदी का आलम लेके जा रहे थे। अब्बास ताकतों के मसाइब खत्म कर लो, और नौचंदी का आलम लेके जा रहे थे। मेरी तरफ तवज्जो रखे, मसाइब का आखिरी गोशा, अगर चेहरा देख के न रोएंगे तो रोना ना आएगा। आवाज दे रहे थे, हाय सकीना, हाय अब्बास, हाय सकीना, हाय प्यार, हाय सकीना, हाय अब्बास, हाय सकीना, हाय प्यार। इसके दरवाजे से नौचंदी का आलम लेके चले, इसके दिल में क्या आया, ये भी पीछे पीछे चले। गांव में छोटा सा इमाम बाड़ा था, जवान अंदर चले गए, आलम रख दिया। एक पेड़ के नीचे काले कपड़े में एक बीबी खड़ी थी, और वो रो रो के कह रही थी, ए मेरा लाल अब्बास, जो भी ऊपर से गिरता है अपने हाथ दे देता है, आपके तो हाथ नहीं थे, आप कैसे गिरे, कह के रोने लगती है। जब इस बीबी को इस महीना ने देखा, ये भी चीख चीख के रोने लगे। अब श्या पोश मोहतरमा पलटे, कहा है बीबी तू क्यों रो रही है, कहा आप ऐसे रो रही है जिसका बच्चा मारा गया, जिसका बेटा मर गया हो, कहा तू क्यों रो रही है, कहा मेरी एक ही बच्ची है 4 साल ये। बहुत रो बीमार के बताने लगी, कभी भी घबरा नहीं, अंदर चली जा, जब ये लोग चले जाए तो वहां जाना और कहना, सुनिए आपको आपकी भतीजी सकीना का वास्ता है, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। बस 2 मिनट का मसाइब, जी भर के रो लो, पता नहीं साले आइंदा हम ऐसे किसको रोना नसीब हो। आजादारों, जब मजमा चला गया, ये अंदर गई, कोई नहीं था, अलम रखा था, ये घुटनियों के बल बैठी, अपने अंदाज में हाथों को जोड़ा, कहा बाबा मुझे नहीं मालूम आप कौन सी भाषा समझते हैं, मगर एक दुखियारी माँ की जरूर समझते हैं। ए बाबा, ए बाबा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरी तरफ तवज्जो रखे, मेरे चेहरे को देखे। ए हुजूर का बाबा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसका जीवन वापस कर दो, आपको प्यारी भतीजी का वास्ता। सर को पेशानी को जमीन पर रखा, देर तक रोती रही।
अच्छी अकेले घर में है दौड़ी एक दफा दरवाजे पर आके पहुंची अंदर से बच्ची के हंसने की आवाज रोइए रोइए किसी ने हमारे मर्जा से ये लिख के मुझा से पूछा कि शहजादी जहरा को क्या पसंद है। मर्जा ने मामे जमाना को पर्ची में सामान लिख के भेजा। सुबह को जवाब आया मर्जा हमारे चाहने वालों को कहते कि जब मसाइब में वो चीख के रोते हैं मेरी दादी को बहुत पसंद आता है। तड़प के कहती है सकीना तुझे रोने न दिया गया। देखा के लोग किस तरह से रो रहे आजादारो वो बीवी अंदर आई देखा बेटी पलंग पर बैठी है सराहने कोई शख्स खड़े हैं। अब वो कह रहे हैं ये बेटी परेशान न हो तेरी माँ आ रही है। इसने बेटी को खत्म हो गया मसा बेटी को कलेजे से लगाया चूमा प्यार किया ए मेरी लाल तो अच्छी हो गई काम माँ में नहीं मानो। हम अपनी चार भाई से उड़ते हुए जा रहे थे अचानक बादलों के बीच ये आए और कहा ए बेटे मेरे कपड़े को पकड़ ले। मैंने पकड़ा लाके यहाँ लिटा दिया। ए माँ ये बाबा मगर एक बात है मैं इतनी देर से एक गिलास पानी मांग रही हूँ मेरे सराहने पानी रखा है बाबा हाथों से उठा के दे नहीं रहे। इसने हाथों को जोड़ा बाबा मैं समझ गई आप वही बाबा है। मगर मेरी बच्ची ने क्या कसूर किया अपने हाथों से पानी दे दिया होता अरे क्यों नहीं दिया। कभी भी ये सवाल न पूछ मैं पानी नहीं दे सकता का आपको प्यारी भतीजी का वास्ता। रोने वालों इतना सुनना था सार हो गए।